तो चले दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कल का मार्केट कैसा रहने वाला है, ठीक है, पूरी एनालिसिस करने वाला, तो वीडियो को एंड तक देखते रहेगा। उससे पहले यहाँ पर आपको बता दूं यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट का क्या स्टेटस है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो ग्लोबल मार्केट यहाँ पे सब कुछ रेड में दिख रहा है आपको। यहाँ पे देखोगे रेसल है, S&P 500 इंडेक्स देखिए यहाँ पे एकदम से लाल में दिख रहा है। डाउन जोन्स देखोगे तो सभी सेक्टर डाउन जोन्स में यहाँ पे यूएस के मार्केट के रेट पे है। यहाँ पे देखिए अभी नेस्डेक भी आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे नेस्डेक भी मतलब सारे सेक्टर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे डाउनफॉल मतलब नीचे दिख रहे हैं, ठीक है, माइनस में दिख रहा है, रेड में दिख रहा है आपको यहाँ पे। अगर मैं आपको ग्लोबल भी आप यहाँ पे बता दूँ, पूरे वर्ल्ड का मार्केट यहाँ पे देखोगे तो मेजर वर्ल्ड इंडेक्स बता दूँ यहाँ पे तो ज़्यादा उसमें भी कुछ फर्क नहीं है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको रेड एकदम से, मतलब यहाँ पे देखोगे ऑल ओवर मार्केट यहाँ पे अपना रेट पे चल रहा है। तभी हम लोग का मार्केट भी जैसा वहाँ पे रेट पे चल रहा है ग्लोबल मार्केट, तो अपना इंडेक्स भी यहाँ पे रेट पे चलेगा, ठीक है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि मार्केट भी थोड़ा सा डाउन में चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे मार्केट में कि जैसे मैंने आपको क्या पोजीशन बताई थी, क्या मार्केट उसी हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये मैंने पोजीशन अभी देखे मार्केट में, मैंने कुछ भी अभी यहाँ पे चेंज नहीं किया। जैसा मार्केट मैंने आपको ओपन करके बताया था फ्राइडे के दिन की मार्केट मंडे का मार्केट कैसा रहने वाला, वैसे ही मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। उसके हिसाब से मार्केट भी कैसा काम करने वाला वो भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट है मार्केट ने, देखिए मैंने आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन दी थी कि मार्केट अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता तो मार्केट यहाँ पे अप मूवमेंट दे सकता, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया और मार्केट ने ट्रेड लाइन को क्रॉस कर दिया। और मार्केट में जैसे मैंने आपको सपोर्ट का पॉइंट बताया था, मार्केट ने वहाँ पर ही सपोर्ट लिया है। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता पीछे का वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी थंबनेल में बता दिया मैंने आपको, तो उससे भी आइडिया आपको मिल जाएगा कि अगर ये ट्रेड लाइन के नीचे मार्केट जाता तो आपका पोजीशन बनाना। पोजीशन भी कैसे बताई थी कि अगर इसको रिटेस्ट करके ट्रेड लाइन को नीचे करके ऐसा जाता है तो आपका यहाँ पे पुट की पोजीशन बनेगी। मतलब मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे की तरफ गया ही नहीं है, मार्केट ने क्या किया है ये ट्रेड लाइन को मतलब यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक कर दिया बड़ी कैंडल से। यहाँ पे देखिए अच्छा बड़ा वॉल्यूम है यहाँ पे और इसके ऊपर से ब्रेक किया मार्केट ने। उसके बाद क्या किया मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट ने पे कंसोलिडेशन दिखाया मार्केट ने हल्का सा। उसके बाद क्या किया मार्केट ने यहाँ से इतनी बड़ी मूवमेंट बनाई और मार्केट ने मतलब अच्छी खासी यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने और यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट बना। तो मार्केट में अपनी पोजीशन कहाँ पे बनेगी अपनी, यहाँ पे अगर मार्केट इसको रिटेस्ट करके ऐसे ऊपर की तरफ जाता तो आपकी पोजीशन यहाँ पे ऊपर की तरफ बनने वाली थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया यहाँ पे पोजीशन ही नहीं बनने दी। मार्केट ने एक चीज अच्छी की कि मार्केट ने ये ट्रेड लाइन बनाई थी, तो जैसे मैंने आपको बोला था कि मार्केट अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा तो मार्केट यहाँ पे ऊपर तक आ सकता है यहाँ तक। तो जिसने भी यहाँ पे लिया होगा देखिए 18,378 के करीब, ये पॉइंट मैंने आपको दिया था, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ये पॉइंट दिया था मैंने आपको 18,378 के करीब और यहाँ पे देखिए 18,463, मतलब यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकला। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेड लाइन के ऊपर मार्केट काम कर रहा है तो मार्केट अभी भी ट्रेड लाइन के ऊपर काम कर सकता है। तो इसके बाद देखिए मार्केट जैसे यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक किया उसके बाद क्या हुआ मार्केट में कि इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट में अपनी पोजीशन यहाँ पे बनानी थी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया रिटेस्ट नहीं किया, मतलब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में ही काम करने वाला था, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको पता चल गया था। अगर इसको मार्केट रिटेस्ट करता तो यहाँ पे तेजी से ऊपर की तरफ जाता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मार्केट ने क्या किया यही पॉइंट को रेजिस्टेंस माना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। ये देखिए ये मैंने सारे आपको यहाँ पे पॉइंट मैंने क्लियर किए हुए हैं, ये भी क्लियर किया हुआ है। ये देखिए मैंने एरो भी बना के रखा है कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ जा सकता है। जो भी पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस का पॉइंट दिया था कि नहीं दिया था, ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ है। उसके बाद क्या किया मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने लगा। उसके बाद क्या किया मार्केट यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था रिटेस्ट करके नीचे की तरफ जा सकता है, वैसे ही मार्केट ने क्या किया यहाँ पे मार्केट आया वापस रेजिस्टेंस का पॉइंट लिया था, तो उसी को मार्केट ने यहाँ पे देखे पहले तो सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या किया मार्केट ने उसको ऐसे ऐसे इस हिसाब से मार्केट ने काम किया जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ था। तो मार्केट ने वैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ गया था, ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, वापस मार्केट उसको ब्रेक किया, वापस रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने वापस नीचे इतना नीचे तक आ गया। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कोई भी बीच में यहाँ पे पॉइंट नहीं बनाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दिया हुआ ये नीचे की तरफ, तो मार्केट सीधा वहीं पे गिरा जहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट का पॉइंट ड्रॉ करके दिया था और मार्केट ने वहीं पर सपोर्ट लिया। फिर मार्केट ने क्या किया ये सपोर्ट को थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, बट अपनी सेलिंग तो हाई है, तो अपना क्या हुआ मार्केट वापस हल्का सा नीचे की तरफ आया था। उसके बाद मार्केट यहीं से सपोर्ट का पॉइंट लिया जो मार्केट ने यहाँ पे लिया हुआ है, ये पॉइंट भी देख सकते हो मार्केट ने हल्का खासा यहाँ पे सपोर्ट लिया, और पीछे जो मार्केट ने सपोर्ट लिया मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने वही पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ की है जो मार्केट ने पीछे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का पॉइंट लिया हुआ है। तो वहीं से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और वहीं से मार्केट में देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ने जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया और मार्केट देखिए इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी 5 मिनट की, अच्छा खासा इतना बड़ा पॉइंट दे दिया मार्केट ने, जो मतलब कंसोलिडेशन है मार्केट, खुद ही आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मार्केट यहाँ पे गया नीचे आया वापस ऊपर की तरफ चला गया, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे तो उससे बड़ी यहाँ पे पोजीशन बनने बन सकती है, मतलब यहाँ पे पोजीशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट में किस हिसाब से गया मार्केट, वैसे गया कि नहीं गया आप देखिए यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बनाता तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ जा सकता है, बट मार्केट ने यहाँ पे ऊपर की पोजीशन बनाई ही नहीं है, मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ भी जाता रहा मार्केट। ये देखिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुला था तो मार्केट क्या हुआ मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाता रहा। अब मार्केट के इसको मैं थोड़ा अलग कर दूंगा,
ये थोड़ा पूरे में ऑल ओवर कवर हो जाएगा, इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ से। ये देखिए मैंने इसको निकाल दिया यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट के और डिस्टेंस का पॉइंट देख लेंगे क्लियर करके कि आप मार्केट कैसा सपोर्ट और डिस्टेंस का पॉइंट लेने वाले। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इससे पहले अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन एक ड्रॉ हो रही होगी तो मैं आपको 5 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट किस हिसाब से, और ट्रेड लाइन पर भी आइडिया मिलेगा। चलिए यहाँ पे आ गया मार्केट, अब क्या कर सकता है मार्केट इसको ट्रेड लाइन अगर हो, ओके ओके ओके, अगर यहाँ पे ट्रेड लाइन ड्रॉ हो गई हमारी तो इसको थोड़ी लॉन्ग कर लेंगे, इसको यहाँ पे लॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी ट्रेड लाइन। अब मार्केट इसको कैसे काम कर सकता है, चलिए उसको देख लेते हैं कि मार्केट अगर जैसे ट्रेड लाइन के ऊपर तो आ गया, यहाँ पे सपोर्ट भी यहाँ पे ले लिया मार्केट ने ट्रेड लाइन के ऊपर, उसके बाद क्या करेगा मार्केट जैसे यहाँ पे आया तो मार्केट वापस कल के डेट में मार्केट वापस यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, मार्केट इसको टच कर सकता है 18,497, और मार्केट देखिए वापस सपोर्ट को ले सकता है, मार्केट यहाँ पे आएगा 18,521, इसको रिटेस्ट करेगा मार्केट आएगा 18,558, इसको रिटेस्ट करेगा मार्केट आएगा 18,580 के करीब। ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट है रेजिस्टेंस के, तो उसको आप नोट कर लीजिए, उसको ब्रेक करेगा तो आपका पॉइंट आएगा 18,614 के करीब। ठीक है, ये सारे पॉइंट नोट कर लीजिए क्योंकि मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ है, यहाँ पे रुका हुआ है, ये देखिए सारे पॉइंट देख लीजिए यहाँ पे मैंने पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं कि पीछे जहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया रेजिस्टेंस लिया मैंने सारे पॉइंट ड्रॉ करके रखे हुए, जैसे आपको मैं आसानी से यहाँ पे बता सकूँ। ठीक है, उसके बाद मार्केट अगर यहाँ से फॉल देगा आपको एंट्री कब लेनी है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे की जब फॉल देगा रिटेस्ट करेगा मार्केट ऐसे ऐसे रिटेस्ट करेगा तो आपका पॉइंट सबसे पहले अपना यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखना है, आपका सबसे पहले यहाँ पे टारगेट रहेगा यहाँ पे 18,442 का करीब, दूसरा टारगेट रहेगा 18,425 का करीब, तीसरा टारगेट रहेगा आपका 18,407 के करीब, चौथा टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे 18,373, पांचवा टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे 18,353, और जो नीचे के टारगेट है वो इसी हिसाब से होने वाला 18,326 के करीब। ठीक है, हमारा निफ्टी 50 का चार्ट हो गया, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट में क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो रही है तो फटाफट आपको यहाँ पे लेवल दे देता हूँ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में आ गए, ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या बताया आपको ये देख लीजिए, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, आपको यहीं पे बता रहा हूँ जो मैंने आपको लेवल दिया था वहीं पे मार्केट ने काम किया कि नहीं किया सबसे पहले वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट को ऑलरेडी आपको मैंने क्लियर कर दिया था कि मार्केट ट्रेड लाइन के ऊपर काम कर रहा है, मार्केट वहीं पर आया वहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया वहीं पर इतना बड़ा मूवमेंट रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट पूरा ट्रेड लाइन कवर करेगा, पूरा ट्रेड लाइन यहाँ पे मार्केट कवर करेगा, ये देखिए पूरा मार्केट ने कवर किया ट्रेड लाइन, ये देखिए मार्केट घिरा यहाँ से सपोर्ट भी वहीं पे लिया जैसे मैंने आपको बताया था वहीं पे सपोर्ट लिया वहीं से मार्केट या ट्रेड लाइन तक आया, जैसे बैंक निफ्टी में आपको मैंने बताया था यहाँ तक आएगा मार्केट वैसे ट्रेड लाइन यहाँ तक आया, और बैंक निफ्टी में भी देखिए सेम टू सेम निफ्टी 50 जैसा ही बैंक निफ्टी में भी हुआ, और मार्केट ने यहाँ पे मैंने बताया था आपको इसका इस हिसाब से आप मूवमेंट बनाएगा तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, आपका टारगेट यहाँ पे रहेगा, आपका दूसरा टारगेट यहाँ पे रहेगा, बट मार्केट ने क्या किया रेजिस्टेंस में आपका पहला ही टारगेट आया, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में जब आपको मैंने धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी क्या करनी है एग्जिट करनी है तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे आया नहीं, उसके बाद देखिए मार्केट में आपका जो टारगेट पहला हिट हुआ उसके बाद मार्केट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन में चलने लगा, मतलब मार्केट में बायर्स वाले को यहाँ पे फायदा नहीं हुआ, पहला जो मूवमेंट आया था मार्केट में उसका आपका प्रॉफिट मैंने दिला दिया यहाँ पे इतना बड़ा मूवमेंट का, उसके बाद क्या हुआ मार्केट यहाँ पे आया उसके बाद ऊपर की मूवमेंट जानी थी मार्केट में बट यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट बनी नहीं मार्केट में, ये देखिए इसको अगर मैं ट्रेड लाइन को थोड़ी लॉन्ग करनी पड़ेगी मेरे को जिससे आपको मैं समझा सकूँ क्लियरली। ओके ओके, चलिए यहाँ पे आ गया अपना ट्रेड लाइन, अब मार्केट कैसे काम करेगा मैं आपको क्लियर करके बता देता हूँ। मार्केट ने मूवमेंट तो अपना ले लिया जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सारे मूवमेंट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए हैं जैसे मैंने आपको क्लियर करके बताया था, मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया तो मतलब अपना यहाँ पे एक क्वांटिटी में अपना प्रॉफिट हुआ, पहला तो यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट हो गया आपका, उसके बाद अपना जब दूसरी बार एंट्री हुए तो मार्केट का अपना रेजिस्टेंस का टारगेट यहाँ पे था तो मार्केट ने क्या किया जिसने जिसने यहाँ पे एंट्री ली होगी तो पहला टारगेट तो हिट हो गया आपका बट दूसरा टारगेट क्या हुआ यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं गया, मार्केट यहीं से नीचे की तरफ आ गया, मतलब यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे प्रॉफिटर होंगे तब प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ मार्केट में यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चालू कर दिया। अब मैं इसके लेवल आपको बता देता हूँ इसके लेवल कौन से होने वाले मार्केट में जिससे आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सको अच्छा खासा, यहाँ पे इसको सबको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे रिमूव हो गया, अब इसको क्या करेंगे थोड़ी लॉन्ग कर लेंगे, इसको लॉन्ग कर लिया अपने यहाँ पे। ठीक है, अभी अगर ये भी ट्रेड लाइन अगर यहाँ पे बनती है तो इसको भी ड्रॉ कर लेंगे, चलिए छोटा सा ट्रेड लाइन यहाँ पे बन रहा है, अगर मार्केट होगा बड़ा चलेगा यहाँ से मार्केट तो यहाँ पे और भी आगे किसी हिसाब से काम करेगा बता देता हूँ आपको। चलिए तो मार्केट ने क्या किया इसी हिसाब से काम किया, मार्केट ने यहाँ पे आपको ऊपर का ऊपर की तरफ का मूवमेंट लेना था बट नहीं मिला अपने को मार्केट में, तो क्या हुआ मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करने लगा। अब मार्केट क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पे आ रहा है वापस ट्रेड लाइन को टच कर रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ का मूवमेंट बनाएगा तो किस हिसाब से अपने लेवल रहने वाला ये देख लीजिए 43,776, उसके ऊपर का लेवल रहेगा अपना 43,845, उसके ऊपर का लेवल रहेगा आपका यहाँ पे ऑल टाइम हाई जो अपना मार्केट बनाएगा, तो ये दोनों के पॉइंट को बीच में आपका जितना गैप है उतना गैप आपका यहाँ पे मार्केट फिलअप कर देगा 43,000 मतलब 842 और यहाँ पे 43,784 मतलब 50-60 पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, मतलब इतना जो आप ऊपर का जो टारगेट रहेगा आपका यहाँ पे इतना रहने वाला है जो R3 अपना रेजिस्टेंस 3 पहला ये
दूसरा ये, तीसरा ये। अब मैं आपको सपोर्ट के पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो रिटेस्ट करके, जैसे पहला टारगेट होगा आपका यहाँ पे 43,591 के करीब, दूसरा टारगेट होगा आपका यहाँ पे 43,510 के करीब, जो तीसरा टारगेट होगा आपका यहाँ पे 43,455 के करीब, और जो चौथा टारगेट अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ 43,415 के करीब। ठीक है, ये मैंने क्यों दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ पे देखिए ट्रेड लाइन के ऊपर काम कर रहा है। यहाँ आ रहा है मार्केट, वापस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मार्केट वापस यहाँ तक यहाँ तक काम कर सकता है। वापस ऊपर की तरफ जैसे जाता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।